दोस्तों चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी आप आसानी से टिकट कंफर्म बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आप चलती ट्रेन के अंदर में भी आप टिकट जो अपना कंफर्म सीट ले सकते हैं। कैसे लेना है आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। काफी बार दोस्तों ऐसा होता है कि टिकट कंफर्म नहीं होता, वेटिंग में रह जाता है। इस बीच में यात्री काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वेटिंग टिकट लेकर भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप कंफर्म सीट आप आसानी से चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप जब ट्रेन में ट्रैवल करोगे उसके बाद भी आप ले सकते हैं। कैसे लेना है चलिए आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। RCTC ऐप पे आपको आ जाना है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यहीं से करना है। तो ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए RCTC ऐप, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैं लॉगिन हो जाता हूँ फटाक से। तो लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको ध्यान से देखना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ट्रेन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। ट्रेन वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे दोस्तों यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस चार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। या फिर दोस्तों एक चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिन लोगों का RCTC ऐप में अकाउंट नहीं होता उन लोग परेशान होते कि कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट दोस्तों आप RCTC ऐप ओपन करके रिजर्वेशन चार्ट का ये आप सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आप जिस भी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि दोस्तों अभी फिलहाल मैं किसी एक ट्रेन का एग्जांपल ले लेता हूं, तो एक ट्रेन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं रनिंग में है, ये आगरा में अभी फिलहाल है। ये ट्रेन का मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप देख सकते हो किसी भी ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होने के बाद। अब यहां पर देख सकते हो ट्रेन नंबर यहां पर देख लो 16137। चलिए मैं इस ट्रेन नंबर को यहां पर फटाक से फिल कर लेता हूं पहले। तो यहां पर आपको ट्रेन नंबर फिल कर लेना है, एक सेकेंड। जैसे दोस्तों यहाँ पर ट्रेन नंबर फिल कर लेंगे आपका ट्रेन का जो नेम है वो आपको आ जाएगा, हिमसागर एक्सप्रेस आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप अपना बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टेशन एक ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली ले लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रेन जो फिलहाल है अभी न्यू दिल्ली आने वाली है। और यहाँ से मैं आपको गेट ट्रेन पर चार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारा जो भी न्यू दिल्ली से ट्रेन यानी कि सीट बुक हुआ है वो आपको चार्ट प्रिपेयर होने का पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी बोगी का आप देखना चाहते हैं, जैसे स्लीपर का या फिर किसी भी ट्रेन का किसी भी बोगी का सपोज देखना चाहते हैं, AC का देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर S2 का ले लेता हूँ। S2 पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। अब कलर के थ्रू आप अपनी ट्रेन का जो टिकट है वो आप देख सकते हो, कितना सीट खाली है आपके बोगी में। आप चार्ट प्रिपेयर होने के बाद ये सारी चीज़ें देख सकते हो, साथ ही आप चलती ट्रेन में भी देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि S2 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। और नीचे यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जो यहाँ पर फर्स्ट बल आपको देखने को मिल रहा है यानी कि जो टिकट है दोस्तों वो जहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेन, जो भी आपने बोर्डिंग स्टेशन डाल रखा है यहाँ से ट्रेन जहाँ लास्ट जाएगी उस सारी पूरी यानी कि वहां तक ट्रैवल करने का इस सीट में पूरा फुल हो चुका, वो सीट बिल्कुल फुल है, खाली बिल्कुल भी नहीं है। येलो का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो यानी कुछ दूरी तक का ये ट्रेन बुक है टिकट, यानी कि सपोज आप ले लो A से B और C, यानी कि आप B से देख रहे हो तो C तक का ही है आगे, आप जैसे कि वो नहीं है तो ये B वाला है यानी सेकेंड वाला है। अब यह लास्ट में यानी कि देख सकते हैं ग्रीन कलर का, यानी कि मतलब बिल्कुल सीट खाली है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो सारी सीट जो है खाली बिल्कुल भी नहीं है, ग्रीन एक भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आप चाहो तो ट्रेन दूसरी बोगी में देख सकते हो, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ फर्स्ट वाले बोगी में। फर्स्ट वाले भी बोगी में दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सीट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे ही करके दोस्तों आप किसी भी बोगी का अपना आप टिकट देख सकते हैं, फर्स्ट AC का भी आप देख सकते हैं, सेकंड AC का देख सकते हैं, सारी ट्रेनों का आप जो भी आपका बोगी है ट्रेन में वो सारी बोगी का आप लिस्ट यहां पर देख सकते हैं। और दोस्तों जो भी सीट आपको खाली लगे आप उस पर क्लिक करके आप चाहें तो TT से जब आपके पास TT आएगा, फिलहाल दोस्तों डिजिटल है, डिजिटल अभी स्मार्टफोन और डिजिटल टैब TT के पास होता है, तो आप TT से बुक करवा सकते हैं, आपको सीट वो आपको मिल जाता है अगर सीट खाली होता है तो, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अगर सीट खाली हो तो आपको कन्फर्म सीट मिल जाता है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी, और वो भी जर्नी के अंदर में भी आपको मिल सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो येलो कलर में, यहाँ पर सॉरी मैं स्लीपर में पहले क्लिक कर लेता हूँ S2 में आने के बाद यहाँ पर जितना भी येलो कलर का दिख रहा है यानी कि कुछ दूरी का यह जर्नी है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा
एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रेन की जो बुकिंग है कहाँ से कहाँ किया गया है, यानी कि कहाँ से कहाँ ये बंदा जाने वाला है। जो भी यहाँ पर टिकट इस टिकट को बुक किया, यानी कि सीट को बुक किया है, उसका आप देख सकते हो कितनी दूरी तक का वो ट्रेवल करने वाला है, ताकि दोस्तों उससे आगे का आप जो टिकट है वो बुक कर सको। यानी कि दिल्ली से अगर कानपुर तक का टिकट है उनका, तो आप आगे जाना चाहते हो तो आप कानपुर से आगे का टिकट वो सीट पर आप ले सकते हो, यानी कि वो खाली रहा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।